होते होते हमें ध्यान है कि सुबह का 5:30 बज गया था। पूरी रात जगना तो बहुत मुश्किल होता है दूल्हे राजा के लिए कि हमारे भाई मानस का आज होने वाला है वो हालत। भाभी सबके बारे में उनको बता रही है, एक चेयर में लेके इधर बैठे हैं, पतले पतले बिट्टों का बहुत कोई बात नहीं, आज के बाद सबसे मिला देंगे। बना रहे चालू चालू चालू।
लड्डू दिखा रहा है हमारा मैचिंग मैचिंग हुआ, ये दिखाओ। और शादी इसकी हो रही है? शादी किसकी हो रही है? इसकी, शादी किसने पहनी है? हाँ तुमको पहचानता है, हमको नहीं नहीं उसी सबके गोद में चली जाता है, पहचान की जरूरत नहीं है। ओए प्रियांश, ये जयमाल देख लिया? ओ भाई हंस रहा है। ओए होए प्रियांश बाबू, हाँ क्या देखा भाई? प्रियांश क्या क्या देखा? देख लिए अपना, देख रहा है मुंह में क्या क्या ले सकते हैं। क्या क्या देख ली भाई? ये हमारी भैया जी, इनको आपने देखा होगा कई बार ब्लॉग में, तो वो रही हमारी भाभी जी। तो ये इन्हीं भैया की भाभी जी। तो वाइफ, वाइफ बोलने में गलती हो गई। मेरी क्योशा, मेरी बेटी बहुत प्यारी सी है ना, और पहले जो है गोलू मोलू सी थी, पतली हो गई है ना, और बहुत ही प्यारी हो गई है। और ये ड्रेस किसने दिया? पापा ने दिए। A few moments later. तो जी सब लोग आ गए हैं अब खाने के लिए, तो यहाँ शुरुआत हो रही है गोलगप्पे से। तो सभी भाभी सभी साथ आई हुई है, भैया सब भी हैं, तो सभी को बुलाते हैं। तो सभी लोग का भोजन चल रहा है जी। माही का हुआ? मेरा हो गया। तुम्हारा हो गया? कुछ नहीं खाया, मम्मी को बोल रही है। मैंने सब खा लिया, मैंने गोलगप्पे खा लिए, चौबो खा लिए, टिक्की खा ली, अच्छा गाजर का हलवा खा लिया, और कोल्ड ड्रिंक तीन तो तीन चार ग्लास पी ली। मेन कोर्स नहीं लिया तुमने? मेरे को मेन कोर्स अच्छा नहीं लगता। अच्छा बस हैटी अच्छा लगता है। और यहाँ पर भाभी जी और भैया जी। वाह वाह वाह, सही है एकदम, दबाइए एकदम, बिल्कुल ये सेहत का राज है जी। भोजन पानी तो सभी का हो गया, जयमाल भी हो गया, बस इंतजार है जो हवन की प्रक्रिया जब शुरू होगी उसी के लिए सभी लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ जो है सुबह तक चलेगा यह कार्यक्रम, तो यह जो है लंबा सफ़र है और लंबे समय तक यह चलेगा। हमें ध्यान है जब अपनी शादी में बैठे थे तो पंडित जी से हम पूछा करते थे कि और कितना रस्म बाकी है, क्योंकि इतना लंबा चल रहा था भाई साहब। और वहाँ पंडित जी जो है एक एक विधि, एक एक रस्म सब कुछ पूरा कर रहे थे। वो ख़त्म होते होते हमें ध्यान है कि सुबह का 5:30 बज गया था, तो पूरी रात जगना तो बहुत ही मुश्किल होता है दूल्हे राजा के लिए, जो कि हमारे भाई मानस का आज होने वाला है वो हालत। यहाँ पर जी अब सभी लोग जा रहे हैं ग्रुप फोटो शूट के लिए। हाँ। फोटो ले लिए। यही बहुत देर से मिसिंग थी, मैं मिल गई। एक आदमी से दो आदमी, दो आदमी पूरा भर गया। अरे चाय में बुला चलो। पचास पिकनिक पर।
एक बार और देख ले। लेकिन कुछ अलग मजा।